लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस कैन बी अ टू एजो अब हमें बड़ा टेक्निकली इस बात को सोचना और देखना है कि एक्सपीरियंस को आप किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हो और फिर उसके तकाजे और पैमाने वो क्या हैं बिकॉज आपका जो नॉलेज है दैट इज बेसिकली कंपोजिशन ऑफ योर एक्सपीरियंस योर एक्सपोजर एंड योर एजुकेशन सो एक्सपीरियंस होल्ड्स अ मेजर पार्ट इन योर नॉलेज डेवलपमेंट एज वेल द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एक्सपर्ट सी पैटर्न दैट एलिसिट फ्रॉम मेमरी थिंग्स दे नो अबाउट सच सिचुएशंस So, आपका जहन हर वक्त प्रोसेसिंग कर रहा है वो चीजों को आपस आप में कंपेयर करता है को रिलेट करता है एसोसिएट करता है सिंथेसाइज करता करता है करता है एनालाइज और वहां से फिर वो डिफरेंट पैटर्न्स पैटर्न्स जनरेट करता है जो कि इवेंचुअली आपकी सोच की शक्ल में आपके पास वो आ जाते हैं प्रोफेशनल जजमेंट कैन ऑफन बी रिड्यूस्ड टू पैटर्न एंड रूल्स और फिर हमारा इंट्यूशन ऑब्वियसली इस बात का मिन्नत होगा कि हमारा एक्सपीरियंस क्या हुआ हमने किन किन चीजों को कैसे वैल्यूएट किया क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारी कंसिड्रेशन से गुजरे और उन तमाम चीजों की रोशनी में हमारी प्रोफेशनल जजमेंट वो डेवलप करती है जो कि इवेंचुअली हमारी इंस्टिंग और इंट्यूशन का रोल अदा करेगी और उसी से हमारे जहन के अंदर थॉट प्रोसेस से रिलेटेड पैटर्न एंड रूल्स वो डिवेलप कर पाते हैं अगर हम पैटर्न एंड पैटर्न को फर्दर एलेबोरेट करें तो इट इज सेड दैट इंट्यूशन एंड जजमेंट आर सिंपली अनालसोजन इंटू हैबिट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लेकिन इसके अगर हम डिटेल इंप्लीकेशन को देखें तो हमें इन दो चीजों को बड़ा डिटेल से समझना होगा कि इंट्यूशन जजमेंट इंट्यूशन आपका सेंस दरअसल आपकी इंट्यूशनल कैपेबिलिटी आप no से ही develop, वो हो रही होंगी वी आर रीचिंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स दैट गो इन आर परसेप्चुअल सिस्टम इसी बारे में कहा जाता है कि रियलिटी इज वट यू परसीव इट टू बी नॉट द रियलिटी इट सेल्फ सो आपके लिए हकीकत वही है जो आप परसीव कर रहे हो और यह जरूरी नहीं कि जो चीज आप परसीव कर रहे हो वही हकीकत भी हो देर फोर याद रखिएगा कि हमारा परसेप्चुअल सिस्टम हमारे लिए मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड वो क्रिएट करता है और उसके बारे में हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत होगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दट वट वेरी गुड

वक्त हमारे इर्द गिर्द डेवलप हो रहे होते हैं बहुत कुछ हमारा जहन परसीव कर रहा होता है बहुत कुछ रिसेप्शन में आता है लेकिन परसीव नहीं हो पाता तो दैट एक्चुअली बिकम्स डिसेप्शन पार्ट सो रिसेप्शन परसेप्शन, डिसेप्शन दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर ऑलवेज कैरीड ऑन इन आर माइंड डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग के, के दौरान हमें अपने जहन के अंदर चलने वाले जो प्रस्पेक्टिव्स हैं जो पैटर्न हैं जो स्कूल्स ऑफ थाट हैं जो वैल्यू सिस्टम्स हैं इन सब का अंदाज़ा होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की उस इंफॉर्मेशन में से कितना पार्ट हम परसीव कर पाए और क्या चीज़ हमारे लिए डिसेप्शन का सबब वो बन सकती है ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम रैशनल अप्रोच को इंट्यूशन के साथ मिक्स कर कर चलें और हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है Thank you.